आलिया और सांवरिया काफी वक्त से अपनी लव लाइफ को लेकर खबरों का हिस्सा बने हुए हैं। बीते दिन सोशल मीडिया पर एक कार्ड वायरल हुआ जिसमें आलिया और रणबीर की सागन सेरेमनी की डेट मेंशन थी। हालांकि इस कार्ड को पूरी तरह फेक बताया जा रहा है क्योंकि इस कार्ड पर आलिया के फादर के नेम की जगह मुकेश भट्ट का नाम मेंशन है। वहीं बीते दिन जब आलिया भट्ट को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया तब आलिया से पैप्स ने इस पूरी खबर का जिक्र छेड़ा, जिस पर आलिया पहले काफी खिलखिलाकर हंसी, फिर बिना इन खबरों को झूठा या सच बताए चली गईं। वैसे आलिया ने सोमवार को मुंबई से लंदन के लिए उड़ान भरी है। खबरों की माने तो आलिया लंदन में रणवीर संग वेकेशन एंजॉय करने गई है। कंगना रनौत फिलहाल थलाइवी की प्रिपरेशन में बिजी हैं। हाल ही में एक खबर सामने आ रही है। खबरें हैं कि कंगना तमिल फिल्म अदाई के हिंदी रीमेक में नजर आ सकती हैं। इस फिल्म में अमला पॉल ने लीड रोल प्ले किया था, जहां खबर है कि इस फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए कंगना का नाम सामने आ रहा है। सोर्सेस की माने तो विक्रम भट्ट ने इस फिल्म के हिंदी रीमेक राइट्स खरीद लिए हैं, साथ ही उन्होंने रत्ना कुमार को भी फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए ले लिया है। आपको बता दें रत्ना कुमार ने ही फिल्म अदाई को डायरेक्ट किया था। फिल्म अदाई की बात करें तो अमला ने इस फिल्म में कामिनी नाम की एक लड़की का किरदार प्ले किया था जो सिर्फ अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीती है। फिल्म को ऑडियंस से कुछ खास रिस्पॉन्स तो नहीं मिला था, लेकिन क्रिटिक्स को फिल्म की स्टोरी लाइन बेहद पसंद आई थी। सिंगर प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकन सिंगर निक जोनस की जोड़ी अक्सर खूब सुर्खियां बटोरती हैं। बॉलीवुड की फेवरेट जोड़ी का वीडियो हो या उनकी फोटो, दोनों ही सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। लेकिन हाल ही में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का एक बेहद रोमांटिक और क्यूट वीडियो सभी का अटेंशन ग्रैब कर रहा है। इस वीडियो में निक जोनस कॉन्सर्ट के बीच में ही आकर प्रियंका चोपड़ा को किस करते हैं। वीडियो में निक जोनस का क्यूट अंदाज भी उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है। प्रियंका और निक जोनस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कार्तिक आर्यन, जाह्नवी कपूर और लक्ष्य ने अपनी आने वाली फिल्म दोस्ताना 2 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिल्म के सेट से पहली फोटो सामने आई है। फिल्म के डायरेक्टर कोलिन डी कुन्हा ने ये फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। फोटो में कार्तिक आर्यन मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं लक्ष्य हंस रहे हैं और जाह्नवी कपूर कार्तिक को देखकर चौंक जाने वाले एक्सप्रेशन दे रही हैं। कार्तिक, जाह्नवी और लक्ष्य फिल्म के पहले स्केड्यूल की शूटिंग जल्द ही पंजाब में शुरू करने जा रहे हैं। फैंस को दोस्ताना 2 का बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म से कार्तिक आर्यन और जाह्नवी कपूर साथ में पहली बार नजर आने वाले हैं। इन दिनों अजय देवगन अपनी अपकमिंग फिल्म तानाजी दानसंग वॉरियर की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। इसी बीच फिल्म का पहला पोस्टर आउट किया गया है। पोस्टर में अजय देवगन का जबरदस्त लुक देखने को मिल रहा है। पोस्टर में अजय एक सुप्रीम वॉरियर लग रहे हैं। पोस्टर में सिंघम का लुक वाकई हर किसी को फिल्म के लिए क्यूरियस कर रहा है। खुद अजय ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्टर शेयर कर अपने फैंस को रिलीज डेट की इन्फॉर्मेशन दी। आपको बता दें फिल्म नेक्स्ट ईयर 10 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी और फिल्म की सीधी टक्कर दीपिका पादुकोण की छपाक से होगी। फिल्म तानाजी अजय देवगन प्रोडक्शन हाउस के अंडर ही रिलीज होगी। आजकल कृति सेनन गायनोलॉजिस्ट से काफी मुलाकात कर रही हैं और रियल लाइफ मॉम से भी मिलने का टाइम निकाल रही हैं। लेकिन इससे पहले आप कुछ का कुछ सोचें तो हम आपको बता दें कि असली माजरा क्या है। दरअसल लुका छुपी एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी अपकमिंग फिल्म मिमी में एक सरोगेट मदर का किरदार निभा रही हैं और अपने किरदार के साथ पूरी तरह जस्टिस करने के लिए कृति काफी मेहनत कर रही हैं। इसमें उनकी माँ भी उनकी हेल्प कर रही हैं। कृति आजकल अपने उन फ्रेंड्स के टच में भी हैं जो बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वाल आपको बता दें फिलहाल कृति हाउसफुल को लेकर चर्चाओं में है। फिल्म इसी दिवाली बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। इन दिनों सारा अली खान वरुण धवन के साथ कुली नंबर 1 के रीमेक में काम करने जा रही हैं। जाहिर है ओरिजिनल कुली नंबर 1 एक आइकॉनिक फिल्म थी। फिल्म में गोविंदा और करिश्मा कपूर के काम को आज भी याद किया जाता है। यही वजह है कि सारा के कंधों पर जिम्मेदारी कुछ ज्यादा है और यकीनन जब फिल्म रिलीज होगी तो कंपैरिजन भी जरूर होगा। इसी को देखते हुए सारा ने भी कमर कस ली है। हाल ही में एक इंटरव्यू में सारा ने कहा है कि मेरे लिए ये काफी सरप्राइज है कि उस दौर की सुपरहिट फिल्म मुझे करने के लिए मिली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं भी फैंस पर ऐसे ही जादू चला सकूं। फिल्म अगले साल 1 मई को रिलीज होगी। फराह खान को बॉलीवुड की अच्छी होस्ट माना जाता है। फराह लगातार अपने घर पर संडे लंच और पार्टी को ऑर्गेनाइज करती रहती हैं। हमेशा की तरह फराह खान ने इस बार भी अपने घर पर संडे लंच ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड से अपने कई फ्रेंड्स को इनवाइट किया।
फरहा ने इस पार्टी की एक पिक को भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। अब हाल ही में कार्तिक आर्यन ने भी फरहा की इस पार्टी की एक वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में कार्तिक और फरहा दोनों ही सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं और दोनों की वीडियो काफी फनी भी है, जो कि अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दूर बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पागलपंती के पूरे स्टार कास्ट के पोस्टर्स शनिवार को मेकर्स ने रिलीज कर दिए हैं। अनीस बज्मी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में जॉन अब्राहम, अनिल कपूर, इलियाना डिक्रूज, कृति खारबांदा, अरशद वारसी, पुलकित सम्राट, उर्वशी रौतेला और सौरभ शुक्ला अहम किरदार में नजर आएंगे। फिल्म नेक्स्ट मंथ 22 नवंबर को रिलीज होगी। इसके साथ ही फिल्म के मेकर्स ने एक नया पोस्टर शेयर किया है, जिसमें फिल्म की पूरी कास्ट पागलपंती करती नजर आ रही है। सुपरस्टार जैकी श्रॉफ इन दिनों एक के बाद एक कई धमाकेदार फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा बिजी चल रहे हैं और हाल ही में फिल्म मुंबई सागा में उनकी एंट्री ने धमाका कर दिया था। हाल ही में बॉलीवुड 2020 ने आपको बताया था कि जैकी श्रॉफ ने फिल्म के डायरेक्टर के साथ बात करने के बाद फिल्म से एग्जिट कर ली है। जैकी श्रॉफ के पास बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स होने के चलते उनके पास इस फिल्म के लिए डेट्स नहीं हैं और लेटेस्ट खबरों की माने तो अब इस फिल्म में जैकी की जगह महेश मांजरेकर नजर आएंगे। मल्टी स्टारर ये फिल्म गैंगस्टर थ्रिलर और बॉम्बे की कहानी को दिखाती है। संजय गुप्ता मुंबई सागा पर पिछले 4 सालों से काम कर रहे थे। बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर आयुष्मान खुराना अपने करियर के शुरू से ही अलग तरह की कहानियों की फिल्मों पर काम कर रहे हैं, जिनमें लोगों के लिए मैसेज होते हैं। फैंस को भी आयुष्मान की ये फिल्में काफी पसंद आती हैं और सभी आयुष्मान के डिफरेंट कैरेक्टर्स को भी पसंद करते हैं। फिल्मों के बाद अब आयुष्मान रियल लाइफ में चाइल्ड अब्यूज के खिलाफ आवाज उठाएंगे, जिसके लिए मिस्टर खुराना ने यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है और भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की अहम पहल पॉस्को एक्ट के जरिए आयुष्मान इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। सोशल मीडिया पर स्टार्स के ट्रोल होने का सिलसिला कब, कहां और कैसे शुरू हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब देखिए ना, यूजर्स ने निक जोनस को ही निशाने पर ले लिया है। बॉलीवुड 2020 में हमने आपको पीसी और निक की करवा चौथ पिक पर परिणीति का कंफ्यूजिंग कमेंट तो दिखाया ही था, जिसको लेकर पीसी ने भी कुछ ऐसा इशारा दिया था जैसे मिस इशकजादी भी शादी करने जा रही हूं। अब इसी पिक पर एक फैन ने लिख दिया, आई नो हु रोट दिस पोस्ट, वेल रिटन बाय प्रियंका चोपड़ा, वेल टाइप्ड। बस इसी कमेंट पर निक यूजर्स के निशाने पर आ गए। एक यूजर ने तो हद कर दी और लिख दिया, व्हाई डज दिस साउंड लाइक एन एसे अ फोर स्टैंडर्ड किड हैज रिटन। बॉलीवुड के किंग खान की बेटी सुहाना खान अक्सर अपनी खूबसूरत पिक्चर्स को लेकर सोशल मीडिया पर लाइमलाइट बटोरती हैं। हाल ही में एक बार फिर सुहाना ने एक बेहद खूबसूरत पिक अपलोड की है। इस पिक में सुहाना बिल्कुल एक डॉल जैसी लग रही हैं। व्हाइट क्रॉप टॉप और ब्लैक बेल बॉटम में सुहाना खान अपनी दो फ्रेंड्स के मिडिल में नजर आ रही हैं। सुहाना की ये पिक उनके फैन क्लब ने शेयर की है और ये पिक्स इंटरनेट पर धमाल मचा रही हैं। फोटोज के साथ साथ सुहाना का एक छोटा सा वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर लग रहा है सुहाना अपने कॉलेज के किसी फंक्शन को अटेंड करने गई हैं और ये पिक्स वहीं की हैं। वेल फैंस सुहाना के पिक्स को काफी पसंद कर रहे हैं। मुन्ना भाई के दोनों पार्ट्स हिट होने के बाद हर कोई उनके मुन्ना भाई 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। संजय दत्त जब भी मीडिया से बात करते हैं तो फैंस उनसे मुन्ना भाई 3 के बारे में जरूर पूछते हैं। कुछ समय पहले संजय दत्त ने फिल्म के बारे में बात करते हुए बताया था कि राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई 3 के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। हालांकि अब मुन्ना भाई सीरीज का हिस्सा रहे बुमन ईरानी ने एक बड़ी जानकारी फैंस को दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मुन्ना भाई 3 बंद हो गई है। बुमन ईरानी ने फिल्म के बारे में बात करते हुए बताया है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये फिल्म कब से शुरू होगी। बुमन के इस स्टेटमेंट से उनके फैंस में मायूसी छा गई है। मलाइका अरोड़ा की अदाओं का कोई जवाब नहीं, उनकी फोटो हो या वीडियो दोनों ही सोशल मीडिया पर धमाल मचाने के लिए काफी है। लेकिन हाल ही में मलाइका अरोड़ा ने अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसने देखते ही देखते लोगों का खूब ध्यान खींचा है। इस फोटो में मलाइका छत से उल्टी लटकी दिखाई दे रही हैं। उनका ये अंदाज देखकर कोई भी
एक वक्त के लिए डर जाएगा। इसके बाद भी मलाइका अरोड़ा के चेहरे पर एक भी शिकन नजर नहीं आ रही है। मलाइका अरोड़ा की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। पिक में मलाइका एरियल योग करती नजर आ रही है, जिसमे उन्होंने अपने आप को एक रोप के जरिए टिकाया हुआ है। इस पिक को पोस्ट करते हुए मलाइका अरोड़ा ने लिखा, कभी कभी आपको बस इतना करना है कि अपना नजरिया बदले। अगर आप चीजों को देखने का तरीका बदलते हैं तो जिन्हें आप देखेंगे वो अपने आप ही बदल जाएंगी। वरुण धवन और सारा अली खान जल्द ही फिल्म कुली नंबर 1 में नजर आने वाले हैं। फिल्म में पहली बार दोनों की जोड़ी को फैंस बड़े पर्दे पर देखेंगे। फिल्म के सेट से आए दिन दोनों की पिक्चर्स को भी हम आपको बॉलीवुड 2020 में दिखाते रहते हैं। हाल ही में सारा अली खान ने फिल्म में वरुण धवन और डेविड धवन के साथ काम करने पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। सारा ने बताया कि वरुण के साथ काम करना उनका सपना रहा है। वरुण सेट पर पूरी तरह से एक क्रेजी पर्सन है और उनकी एनर्जी लेवल को देखकर वो उनसे इंस्पायर होती हैं। मेरे लिए वरुण और डेविड धवन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शानदार है। दोनों के साथ काम करने के लिए मैं हमेशा से एक्साइटेड थी और मैं अपनी एक्साइटमेंट से अब काफी खुश भी हूँ। बॉलीवुड स्टार्स की हर एक्टिविटी पर रहती है हमारी नजर और स्टार्स की इसी एक्टिविटी को हम आप तक लेकर आते हैं। तो चलिए बताते हैं हमने आपके फेवरेट स्टार्स को कहां कहां कैप्चर किया। सबसे पहले हमने रकुल प्रीत सिंह को बांद्रा में स्पॉट किया। सॉन्ग चलते चलते का भी मुंबई में लॉन्च रखा गया, जहां गाने की पूरी स्टार कास्ट नजर आई। विधानसभा इलेक्शन 2019 में अपने वोट देने के लिए भी हमने कई बॉलीवुड स्टार्स को अपने कैमरे में कैप्चर किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शाहिद कपूर और मीता राजपूत को भी हमने बांद्रा में जिम के बाहर स्पॉट किया।